रोड पे कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। कोई तमाशा नहीं लगा रहा, तुमसे बात करनी है यार। तुम्हें पता कैसे चला कि अम्मी जान मुझे लेने नहीं आ रही है? जाहिर है हमारे घर साथ साथ है, तुमने देखा कि तुम्हें जो भी बात करनी है प्लीज जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। गाड़ी में चल के बैठ। क्या हो गया फवाद? और नहीं हो सकता है मुझसे। क्या नहीं कर सकती यार, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मैं अपनी अम्मी को सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ। अपने और मेरे बारे में? हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा उन्होंने, चुप रही हूँ क्योंकि अभी भी वो मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे मोहब्बत करती है। बाद मैं तुमसे मोहब्बत तो कर बैठी हूँ लेकिन मैं अपनी अम्मी जान के खिलाफ जाके कोई भी फैसला नहीं कर सकती। गाड़ी में चल के बात कर। फवाद, कुछ भी सुनने और कहने को नहीं रह गया है फवाद अब। अच्छा मेरी बात सुन, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तुम्हारी बात का, लेकिन वो खामोश नहीं है, उन्होंने इनकार भी नहीं किया। तुम इतना नेगेटिव होके क्यों सोच रही हो यार? फवाद प्लीज, अगर तुम मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करते हो ना तो प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि जितना तुम मेरा पीछा करोगे ना उतना खुद को मुझसे दूर करोगे। बिलाव जी चाय का तकल्लुफ किया। अरे ये चाय का कैसा तकल्लुफ, तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल चाल है और तुम्हारा शादियां कराने वाला काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रशीदा, बहुत अच्छा चल रहा है। वरना तुम्हें तो पता है शौहर के इंतकाल के बाद मैंने इसी काम से बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। तुम्हें पता है माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी ने बीए कर लिया है और मैंने उसका रिश्ता भी आसानी से तय कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, वक्त पर बच्चों की शादियां हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम अपने लड़के के लिए लड़कियां देखना शुरू करो, वरना मुझे बताओ मेरी नजर में है बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां। अरे नहीं नहीं, मैंने देखी भी है। अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है। मेरी बहन की बेटी है मारिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, फाइन आर्ट्स पढ़ रही है। भाई तुमने तो सब तय कर लिया, वरना मेरी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता था। अगर तुम बेहतर महसूस करो तो देख लो, लड़की बहुत अच्छी है। अरे नहीं नहीं, मैंने डन किया हुआ है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, वरना लड़की बहुत अच्छी थी और मजे की बात ये कि तुम्हारे पड़ोस में ही रहती है। पड़ोस में रहती है? कौन? वो अफशान की बेटी है ना किरण। इस घर में बहू बनकर सिर्फ हमीदा की बेटी मारिया ही आएगी। मैं तो उस लड़की से शादी करने वाला हूं नहीं। रशीदा? हम्म? क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, मैं किरण के बारे में सोच रही थी। तुमने तो मोहल्ले में लोगों से मिलना ही छोड़ दिया है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, तुम जाके एक बार देखो जरूर। आज तो मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं चक्कर लगाऊंगी। जाना जरूर, बहुत अच्छी लड़की है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हैं आप? भाई तुम ये देखो, सरे पहन के देखो, बहुत सूट करेगा तुम्हारे ऊपर। ये तो आपके जेवर हैं। हाँ मगर देखो ना, बिल्कुल आज के फैशन का डिजाइन है। तो ये तो आपके है ना, मैं क्यों पहन के देखूं? ओफो, मैं भला कोई अच्छी लगूंगी ये पहन के इतने भारी भारी? पहनो ना, ये मैंने तुम्हारे जहेज के लिए रखे हैं। अम्मी जब मेरे जहेज का वक्त आएगा ना तो देख लेंगे। अरे समझो वक्त आ गया, मैंने बिल्किस को भेजा हुआ है लड़के वालों के यहाँ रिश्ते के लिए। मुझे शादी नहीं करनी है। अरे तुम्हें नहीं करनी है ना, लड़के वालों को तो जल्दी है, उनका बेटा अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, हाउस जॉब कर रहा है, उसकी माँ रिश्ते ढूंढ रही है। बस मैंने रिश्ता पक्का कर दिया तुम्हारा। किसकी बात कर रही हैं? है एक लड़का बहुत हैंडसम है, कुछ डॉक्टर सा है, बस मुझे अच्छा लगा,
मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता पक्का कर दिया और कोई तुम्हारी हाँ ना नहीं चलेगी। अब कौन है? है यहाँ करीब ही रहता है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। वो क्या नाम है, भला सा। अच्छा हाँ, पता क्या, वो सारे दिन ना वो धूप में छत पे टंगा रहता है। अम्मी मुझे माफ कर दे। सॉरी। तुम मुझे माफ कर दो। कैसी माँ, मुझे अपनी बेटी की पसंद का, उसके प्यार का कुछ पता ही नहीं था। हाँ सॉरी। नो अम्मी, यू आर द बेस्ट। आई लव यू। आई लव यू बेटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हेलो, क्या अम्मा मान गई हैं? हाँ, कल घर आने का तो बोला है उन्होंने। अच्छा, मुझे तो उन्होंने एक सेकेंड। अच्छा सुनो सुनो, अभी मैं हॉस्पिटल में जाना होगा। आई एम सो हैप्पी अम्मा मान गई हैं। अच्छा लिसन, जा रहा हूँ। आई लव यू, बाय। जो आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। वालेकुम भाई। अम्मा कहाँ? पता नहीं यार, मैं तो ऑफिस से आया हूँ तो वो घर पे ही नहीं है। कमाल है, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, सो रही थी, अब उठा, वो घर पे नहीं है। उनसे मेरे बगैर कैसे जा सकती है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं, अपनी मर्जी की मालिक है वो। मैं किरण से पूछता हूँ। ये किरण कौन है? दोनों माँ बेटा ही पागल है। क्या नाम है आपकी बेटी का? किरण है ना? जी जी, किरण। क्या करती है? नफ्सियात में मास्टर्स कर रही है। बहुत होनहार बेटी है मेरी। बल्कि इसको आपने मेरे घर भेजा था। नहीं, लेकिन वो आजकल मेरी बेटी के लिए रिश्ते देख रही है। ये झुमका तुम्हारी बेटी का है ना?